हेलो स्टूडेंट्स, इन टुडेज क्लास वी आर गोइंग टू लर्न फिफ्थ स्टैंडर्ड मैथ्स लेसन नंबर 6। ऑलरेडी फर्स्ट टू फिफ्थ चैप्टर्स के वीडियोस अपलोडेड हैं, प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं। और आपके हर एक सब्जेक्ट के वीडियोस अपलोडेड हैं, अलग प्लेलिस्ट बने हुए हैं, आप चेक कर सकते हैं। अब यहाँ पे आपको अब ये चीज़ें आपने ना थर्ड फोर्थ फर्स्ट सेकेंड में भी पढ़ी हैं एंगल्स के बारे में, और आगे भी ये चैप्टर्स पढ़ेंगे आप। देखिए, ये राइट एंगल है जो एकदम सीधे होता है, जैसे हम ऐसे बैठते हैं ना सीधे सीधे, वो राइट एंगल होता है। उससे जो कम होता है वो होता है आपका अक्यूट एंगल, और जो इससे भी बड़ा होता है, यानी कि अब ये देखिए ये सीधे सीधे है, लेकिन यहाँ पे कैसे गया, ये इसके इस साइड गया, यानी इससे भी बड़ा एंगल है। ये कम था लेकिन ये ज़्यादा है, ये है ऑब्ट्यूज एंगल। अब यहाँ पे देखिए, विद द हेल्प ऑफ वॉचेस के अलग अलग जो एंगल्स हैं वो उसके थ्रू आपको बताया गया है कि कौन कौन से एंगल हैं। ये आई थिंक टेक्स्ट बुक में आपको ऐसे गिवन है और ये आपको फिलअप करना है। तो आप देख सकते हैं कि ये कौन सा एंगल बना रहा है। तो अगर हम देखें तो अक्यूट एंगल तो नहीं बना रहा है, और सीधे सीधे भी नहीं बना रहा है। अगर ये यहाँ पे होता यहाँ पे, तो ये बनाता आपका कौन सा एंगल, ये बनाता राइट एंगल, क्योंकि एकदम ऐसे सीधे सीधे था जैसा ये था। और अगर ये जो सुई है अगर ऐसे होती यहाँ फोर पे, तो बनाता ये आपका अक्यूट एंगल, क्योंकि कम होता फिर। लेकिन ये क्या है कि इससे राइट एंगल से ज़्यादा है, ये शेप तो नहीं आ रहा, मतलब ये शेप तो नहीं आ रहा, ना ही ये शेप आ रहा है, ये आ रहा है ज़्यादा, 90 डिग्री से ज़्यादा है, तो ये ऑब्ट्यूज एंगल है। अब ये अक्यूट है कैसे पता चल रहा है, क्योंकि देखिए थोड़ा सा ये कम है। अगर ये पूरा का पूरा ये जो दिख रहा है आपको यहाँ पे 9, अगर 9 पे होता ये, तो आपका बनाता ये राइट डिग्री, राइट एंगल। लेकिन अभी ये क्या है, अक्यूट, क्योंकि राइट एंगल से कम है। ये पूरा बना रहा है आपका राइट एंगल 90 डिग्री का, ठीक है, पूरा इस तरीके से। ये भी ऑब्ट्यूज है, ये भी ऑब्ट्यूज एंगल है, ये भी ऑब्ट्यूज एंगल है, अक्यूट है क्योंकि 90 डिग्री से कम है। समझना क्या है कि अगर ध्यान देना यही है कि अगर ये राइट एंगल है, राइट एंगल से कम है, अगर राइट एंगल से एंगल कम बना रहा है, वो होगा आपका अक्यूट एंगल। राइट एंगल से अगर ज़्यादा बना रहा है, वो होगा आपका ऑब्ट्यूज एंगल। नेक्स्ट पे आते हैं, ये क्वेश्चंस यहाँ पे गिवन है, एंगल है ये, ठीक है, अक्यूट एंगल है, उसके बारे में ये लिखा गया है। यहाँ पे आपको बताया गया है सेगमेंट क्यू आर, ओके, क्यू पी, ये जो बना रहे हैं क्यू आर क्यू पी मिलके, ये क्या बना रहे हैं, एंगल बना रहे हैं। अब इसके कंपोनेंट्स क्या क्या है, कंपोनेंट्स देखिए, सेगमेंट क्यू आर एंड क्यू पी, ठीक है, ये क्या कहलाते हैं, ये दोनों ही एंगल साइड कहलाते हैं। ये भी एक साइड है एंगल का, और ये जो इस साइड है ये भी एक साइड है। और जो एक कॉमन पॉइंट पे दोनों मीट हो रहे हैं, यानी कि ये जो यहाँ से आके यहाँ मिल रहा है, फिर ये भी यहाँ से आके कहाँ, यहाँ मिल रहा है, ये जो एक कॉमन पॉइंट पे मिल रहे हैं ना, जो क्यू वाला पॉइंट है, इसे कहते हैं वर्टेक्स। यानी एंगल का वर्टेक्स क्या है, ये क्यू पॉइंट, यहाँ पे दोनों इसी पॉइंट पे आके मिल रहे हैं, ठीक है। तो ये लाइन भी यहाँ पे आके मिल रही है, और ये लाइन भी दोनों आके यहाँ पे ज्वाइन हो रहे हैं, ये कहलाएगा वर्टेक्स। ये क्या है आपका पी क्यू आर या फिर आर क्यू पी, ये आपका सेंटर में ही आना चाहिए, ठीक है। चाहे हम बोल रहे हैं पी क्यू आर, चाहे बोल रहे हैं आर क्यू पी, ऐसे नहीं बोल सकते आप क्यू आर पी, या फिर ऐसे नहीं बोल सकते कि क्यू पी आर, ऐसे नहीं बोल सकते। क्यू सेंटर में आएगा, क्यों, क्योंकि ये वर्टेक्स है, दोनों के बीच में है ये। तो एंगल का जो साइन है वो ऐसे होता है, ऐसे कहीं पे साइन भी दिखे तो समझ जाइए कि एंगल बोला जा रहा है यहाँ पे, ओके। तो इस तरीके से हम एंगल ऐसे पी एंगल, ये एंगल लिखा, और पी क्यू आर एंगल आर क्यू पी ऐसे बोलेंगे। अब यहाँ से हमारा प्रॉब्लम सेट स्टार्ट होता है, 24 टेक्स्ट बुक 35 में गिवन है ये क्वेश्चन। हो सकता है कि आपका अगर न्यू अभी बुक्स हैं तो हो सकता है कि थोड़ा बहुत पेजेस में चेंजेस हो, बट टेक्स्ट बुक में देखेंगे तो इस तरह के क्वेश्चन जो गिवन है, तो समझ जाइए कि ये आंसर्स आपको लिखने हैं। अब यहाँ पे देखिए, ये वर्टेक्स है, ये वर्टेक्स है, ये दोनों उसकी साइड है, कौन सा एंगल दिख रहा है आपको, ये एंगल हम अगर देखें तो ये अक्यूट एंगल है, ये भी अक्यूट एंगल है, ओके। लेकिन हमें यहाँ पे एंगल्स के
नेम कैसे बताने हैं, नेम उनको हमें लिखने बताना है कि कैसे लिखोगे आप, एंगल्स पी क्यू आर या फिर आर क्यू पी, ये एंगल है। वर्टिक्स क्या है इसका, क्यू यहाँ पे। साइड क्या है, साइड है वही आपका क्यू पी क्यू आर, ऐसे नहीं बोल सकते पी क्यू आर क्यू नहीं बोल सकते, ये यहाँ से स्टार्ट करना है आपको, ठीक है, सेंटर से। इसी तरीके से सेंटर यहाँ पे इसका जो वर्टेक्स है ये क्या है, एम है, और कैसे लिखोगे इसको, एल एम एन या फिर एन एम एल, वर्टेक्स बीच में आना चाहिए। साइड क्या है, एम एल है, एम एल एम एन। अगर आप साइड लिख रहे हो तो याद रखिए कि साइड हमेशा आपको पहले किसको रखना है, वर्टेक्स वाला जो पॉइंट है पहले उसको, वर्टेक्स यहाँ पे एम है तो हमने पहले हर जगह पे एम एम लिखा, वर्टेक्स यहाँ पे क्यू था तो हमने दोनों जगह पे पहले क्यू लिखा है, बाद में उसकी साइड्स के दूसरे नाम लिखे हैं। अब यहाँ पे वर्टेक्स है यू, और यहाँ पे देखिए एंगल एस यू टी, एंगल टी यू एस, जब आप पूरा एंगल का नाम लिख रहे हो तो वर्टेक्स हमेशा बीच में आएगा, जब आप साइड के नाम लिख रहे हो तो हमेशा आपका क्या होगा, जो वर्टेक्स है वो पहले आएगा फिर साइड का दूसरा आएगा, यू एस यू टी, इस तरीके से। यहाँ पे आपको प्रोटेक्टर का यूज़ कैसे करना है वो बताया गया है, ये जब आपके पास प्रोटेक्टर रहेगा तो आप अच्छे से समझ पाओगे, यहाँ पे गिवन है कि किस तरीके से आप करोगे। जैसे देखिए ये अगर आपने लाइन खींची कोई भी, यहाँ पे मान लीजिए कि लाइन खींचा है आपने, तो इसका पॉइंट ये जो है, ये पॉइंट आपको उस लाइन पे रखना होता है, मान लीजिए कि ये लाइन है, आपने एक लाइन ऐसे खींची है, अब ये एक लाइन खींची है तो प्रोटेक्टर कहाँ से रखोगे, प्रोटेक्टर का ये वाला पार्ट यानी ये जो सेंटर पार्ट है वो यहाँ पे रखोगे, उसके बाद यहाँ से आपको एंगल मेजर करना है, अगर 90 डिग्री लेना है तो 90 यहाँ पे लिखा हुआ है तो 90 यहाँ पे आएगा, अगर आपको कितनी डिग्री लेनी है 90 से कम, यहाँ पे जैसे 80 डिग्री लेनी है तो यहाँ पे 80 लिखा हुआ है, 80 का डिग्री फिर ऐसे बनेगा, और फिर बाद में वही आपको मैच कर देना होता है प्रोटेक्टर हटा के। 70 है तो 70 यहाँ पे लिखा हुआ है, 70 यहाँ पे 60 लिखा है, तो यहाँ से देखिए 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 यहाँ पे 100, इस तरीके से जब आप इस साइड का प्रोटेक्टर यूज़ कर रहे हो राइट साइड से, तो आपको इस साइड के अंदर वाले नंबर्स यूज़ करने हैं, अंदर वाले नंबर्स यूज़ करने हैं। जब आप इस साइड का यूज़ कर रहे हो, मान लीजिए कि आप इस साइड से एंगल बना रहे हो, तो आपको ये यहाँ से आपको यूज़ करना है, ये बाहर वाले पार्ट यूज़ करने हैं, 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90, तो अगर आप इस साइड से यूज़ कर रहे हो तो हमेशा आपको अंदर वाले जो नंबर्स हैं ये छोटे वाले में ये यूज़ करने हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम सेट 25 37 पेज नंबर पे है, एंगल्स आपको मेजर करने हैं, मेजर करके आपको लिखना है कि ये अक्यू, ये आपको मेजर करना है प्रोटेक्टर रख रख के कौन से एंगल आ रहे हैं, तो सारे डिग्रीज लिखे गए हैं। अब यहाँ पे देखिए दिया गया है प्रोटेक्टर का यूज़ किस तरीके से, एंगल ए बी सी ऑफ मेजर 70 70 बोला है, तो यहाँ पे पहले आपने ऐसे एक लाइन ड्रॉ की, 70 बोला है, 90 हमारा यहाँ पे है बिगो में लिखा गया है, 90 के एक बाद 80, 80 के एक बाद 70, तो यहाँ पे आया ये एंगल यहाँ बनाया। अब यही एंगल ये प्रोटेक्टर हटा के यहाँ पे आपको वो एंगल दिखा रहा है, यहाँ पे शो कर रहा है 70 डिग्री कैसे अक्यूट एंगल आपका यहाँ पे बना है, यहाँ पे ये जो है अक्यूट एंगल, ऑप्टियूज एंड राइट एंगल, ये भी आपका ऑप्टियूज है, अक्यूट है, ऑप्टियूज है, अक्यूट है, ये आपको विद द हेल्प ऑफ प्रोटेक्टर आपको बनाना है। 60 डिग्री का ये बनाया है, 120 का ये बनाया है, अब 120 का कैसे बनाएंगे आप, यहाँ पे प्रोटेक्टर रखना है, यहाँ से पहले एक यहाँ ये जो पॉइंट है इस पॉइंट से एक लाइन ड्रॉ करनी इधर, फिर 120 यहाँ से एक लाइन ड्रॉ की, फिर 120 तक जाना है, 90 यहाँ पे दिया हुआ है तो 90 के बाद जाना है 100 110 20, यहाँ से आपका एंगल बनेगा, फिर यहाँ पे 20 पे आप ऐसे पॉइंट करोगे, इसे हटाना है और फिर विद द हेल्प ऑफ स्केल आपको ये लाइन ड्रॉ कर देनी है। इसी तरीके से बाकी के एंगल्स आपको बनाने हैं। टाइप्स ऑफ एंगल यहाँ पे दिया गया है, वही अगेन
राइट एंगल, एक्यूट एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल, फिर से यहाँ पर डिटेलिंग में दिया गया है। पैरेलल लाइंस क्या है, जो कभी मीट नहीं होती, एक दूसरे से पैरेलल होती है। अभी ये लाइन की कभी भी कितने भी इसको स्ट्रेच करें, कितना भी बड़ा करें, वो लाइन कभी एक दूसरे से मीट नहीं होगी। ये अलग ही लाइन पर जाएगी और ये अलग ही लाइन पर जाएगी, दोनों एक दूसरे से मीट नहीं होंगे। तो ये हो गया पैरेलल। परपेंडिकुलर लाइन क्या है, तो ये परपेंडिकुलर लाइन है। यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है कि जब टू लाइंस एक 90 डिग्री का एंगल बनाती है, दो लाइन एक लाइन इधर गई एक लाइन इधर, जब इस तरीके से राइट एंगल बनाया, यहाँ पे राइट एंगल बन रहा है। राइट एंगल आपको पता है कि राइट एंगल इस तरीके से होता है, हम कई बार देख चुके हैं। तो जब 90 डिग्री बनाता है तो वो परपेंडिकुलर लाइन होता है। प्रॉब्लम से 27 पे आ जाते हैं। यहाँ पे क्वेश्चंस पूछे गए हैं, दो एग्जांपल्स बताने हैं पैरेलल लाइंस के जो तुमने अपने एनवायरनमेंट में देखा है। तो रेलवे अपोजिट एजेस ऑफ अ रूलर, रूलर का जो अपोजिट एज होता है वो भी क्या होता है, एक रूलर। जैसे हमारा स्केल हुआ, तो अभी स्केल मान लो कि हमारा ऐसा होता है जैसा यहाँ पे दिया हुआ है, तो ये हमारा स्केल होता है ऐसे बड़ा सा, ठीक है। तो ये जो स्केल है, अब क्या ये लाइन और ये लाइन कभी मीट होगी, क्योंकि वो तो ऐसे कितनी भी बड़ी कर दो, जोड़ते जाओ वो मीट ही नहीं होगी, ये लाइन वो लाइन। तो वो किसके एग्जांपल्स हैं, वो एग्जांपल है पैरेलल के। अब यहाँ पे परपेंडिकुलर लाइन का दिया गया, तो जो लाइट पोल होता है रोड पे, तो अगर हम अगर देखें तो ये एक सरफेस हुआ, जमीन एक सरफेस हुई और ये जो उसका पोल होता है ये बड़ा सा, क्या बनाता है ये, कौन सा ये क्या बनाता है, राइट एंगल बनाता है। अगर देखें तो दोनों साइड ही राइट एंगल बना रहा है इस तरीके से। तो एक तो ये हो गया, और क्या है, द लेग ऑफ द टेबल एंड इट्स सरफेस, जो टेबल होता है, ये टेबल हुआ, जैसे आपका ये टेबल हो गया, तो जब टेबल के ये टेबल हो गया, टेबल का ये लेग होगा, तो अब ये जो लेग आया, एक टेबल यहाँ पे, एक लेग यहाँ पे, एक लेग यहाँ पे, तो ये देखिए ये क्या बना रहा है, राइट एंगल बन रहा है ना, ऐसे देखिए, चाहे इसको उल्टा करके अगर ये देखेंगे तो ये राइट एंगल बन रहा है ना, ये पूरा वो बोल रहा है। बाकी की कौन कौन से हैं वो बताया है, ये पैरेलल लाइंस है, परपेंडिकुलर लाइंस है, पैरेलल लाइंस है, ये भी पैरेलल है, कभी मीट नहीं होंगे, लेकिन ये क्या है, परपेंडिकुलर लाइंस है, 90 डिग्री बना रही हैं हर तरफ से, हर तरफ से मतलब अगर हम यहाँ से देखें तो यहाँ से भी 90 डिग्री बन रहा है। यहाँ से देखें अगर हम ऐसे देखें तो ऐसे भी ये क्या बन रहा है, 90 डिग्री इस तरीके से, ये क्या बना रहा है, 90 डिग्री बना रहा है। यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस गिवन है ओरली जो आपको बताने हैं, आप खुद से करिए, इसे ट्राई कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, और ये सारी चीज़ें मैंने एक्सप्लेन कर दी हैं। डाइजेस्ट आंसर में सिर्फ आप कॉपी करके लिख लेंगे तो फिर उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, आपको सॉल्व करने आना चाहिए सारे सम्स। चैप्टर नंबर 7 हम देखेंगे, सर्कस वो देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में, आपको सॉल्व करने आना चाहिए सम। तो मैंने एक्सप्लेन भी किया हुआ है, और एक्सप्लेनेशन ज़रूरी है, स्कूल में अच्छे से सीखिए। यहाँ पे सिर्फ आपको आंसर्स लिखने के लिए, आपकी हेल्प के लिए प्रोवाइड किया गया है, इसलिए मैंने एक्सप्लेनेशन भी किया हुआ है कि अगर आपको नहीं समझा तो आपको समझ में भी आ जाए।